हे गाइस, वेलकम बैक टू द मूवी सेंट। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके साथ हॉलीवुड की बनी टॉप 10 बेस्ट साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर मूवीज, जिन्हें आप यूट्यूब पर फ्री देख पाएंगे। इस लिस्ट की बनी 8 मूवीज आप यूट्यूब पर फ्री देख पाओगे और बाकी बची 2 मूवीज नए होगी जो कि रिसेंटली अब रिलीज हो चुकी है। तो सब कुछ जानने को मिलेगी, बस लिस्ट को लास्ट तक जरूर देखते रहना और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो बिना ऐसे देरी के चलो इस लिस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इस लिस्ट की पहली मूवी की, जिसका नाम है माउंटेन किंग, जो कि साल 2022 की बनी एक्शन एडवेंचर बेस्ड मूवी है और इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिल चुका है। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़की से, जो अपने फादर के साथ वो एक जंगल के अंदर रहते हैं, लेकिन मूवी के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे खतरनाक लोग हैं जो कि उसी लड़की और उसकी फादर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में इस मूवी की आगे स्टोरी क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यार इस मूवी को पूरी तरीके से जंगल के अंदर ही शूट किया गया है। बात करते हैं इस लिस्ट की अगली मूवी की, जिसका नाम है द स्पाई नेक्स्ट डोर, जो कि असल में साल 2010 की बनी एक एक्शन क्राइम बेस्ड मूवी है और दोस्तों इस मूवी का IMDb की तरफ से 5.4 की रेटिंग मिल चुका है। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है जैकी चैन से, जो कि एक CIA अंडरकवर एजेंट या फिर स्पाई होता है। जैकी चैन के इस काम के बारे में किसी को पता नहीं होता है, लेकिन इसी दौरान जैकी चैन अपनी गर्लफ्रेंड के 3 बच्चों को एक दिन बेबी सेटिंग करने के लिए उसके घर पर ले आते हैं और इन्हीं बच्चों में से एक जैकी चैन के कंप्यूटर से एक सीक्रेट फाइल को डाउनलोड कर लेता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को उसके एड्रेस या फिर उसके IP एड्रेस के बारे में पता लगता है और वही लोग उसके घर में आते हैं उसी फाइल को लेने के लिए और जितने भी उनके सामने जो लोग आएंगे उन्हें रोकने के लिए वो उन सभी लोगों को मार डालेंगे। अब ऐसे में दोस्तों इस मूवी की आगे स्टोरी जानने के लिए आप इस मूवी को देखिए, जो कि काफी ज्यादा कमाल की है। आज के इस लिस्ट के नंबर 8 पर आती है एक नई मूवी, जिसका नाम है डिस्ट्रॉयर, जो कि साल 2018 की बनी क्राइम और थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिल चुका है। तो मूवी की कहानी शुरू होती है बेल नाम की एक लड़की से, जिसे एक अंडरकवर असाइनमेंट दिया जाता है कुछ ऐसे लोग को पकड़ने के लिए। अब इसी मिशन के थ्रू बेल की लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो अपनी इस पास्ट लाइफ में हो चुके एक बहुत बड़े इंसिडेंट को भूल ही नहीं पाती है। अब आगे इस मूवी के अंदर आपको ये देखना है कि बेल के साथ उसके यंग लाइफ में क्या ऐसे इंसिडेंट हो चुकी थी जिसकी वजह से उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब इस मूवी की आगे स्टोरी क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। कुछ लोगों को ये मूवी पसंद आ सकती है और कुछ को नहीं भी पसंद आ सकती है। इस लिस्ट के नंबर 7 पर आती है एक एडवेंचर मूवी, जिसका नाम है स्नो मॉन्स्टर, जो कि असल में एक एडवेंचर और थ्रिलर बेस्ड फिल्म है और इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.5 की रेटिंग मिल चुका है। तो इस मूवी की बेसिक स्टोरी की अगर बात करें तो कहानी आपको एक रेसिस्ट टीम की देखने को मिलेगी, जिन्हें एक असाइनमेंट दिया जाता है या फिर एक मिशन दिया जाता है एक बर्फ वाली पहाड़ पर जाके वहाँ पर कुछ चीजों के ऊपर रिसर्च करने के लिए। अब ऐसे में एक बहुत ही खतरनाक स्नो मॉन्स्टर उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उस स्नो मॉन्स्टर को यह लगता है कि वो लोग उसके इलाके में आ चुके हैं। अब इस मूवी की आगे स्टोरी क्या कुछ होता है और वो लोग कैसे उससे बचते हैं, इस सब को जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हैं। बात करते हैं हमारे सीरीज के नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है पीट्स ड्रैगन, जो कि साल 2016 की बनी फैंटेसी और एडवेंचर बेस्ड मूवी है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिल चुका है। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर कहानी आपको पीट्स की देखने को मिलेगी, एक एक्सीडेंट में कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है, लेकिन इसी बीच उसे एक ड्रैगन बचाता है और उसके साथ उसे ले जाता है। अब ऐसे में इस मूवी की कहानी 6 साल के बाद की आपको देखने को मिलेगी। तो 6 साल के बाद पीट्स के साथ और उस ड्रैगन के साथ क्या कुछ चीजें होता है ये सबको जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इंतजार कर रहे हैं इस लिस्ट के टॉप 5 मूवीज के लिए, तो उसके तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार आपकी एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है अच्छी अच्छी मूवीज आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आज के इस लिस्ट के नंबर 5 पर आती है स्पीड ट्रोल, जो कि साल 2016 की बनी एक एक्शन और साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी है। मैं आपको बता दूं कि यार इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिल चुका है। तो मूवी के अंदर कहानी आपको कुछ ऐसे सोल्जर्स की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिन्हें जंग के थ्रू कुछ ऐसी चीजें उन्हें दिखाई देती है जो कि पल भर के सेकंड में बहुत सारे लोगों को मार डालता है। वही चीज ना ही घोस्ट है और ना ही एलियंस है, तो आगे वो चीज है क्या वो जानने के लिए इस मूवी को देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यार ये मूवी ऑफिशियली इंग्लिश लैंग्वेज भी मौजूद है। ऊपर इस मूवी की क्वालिटी थोड़ी सी बेकार है, लेकिन फुल HD में देखने के लिए आप इस मूवी को टेलीग्राम से या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके भी एंजॉय कर सकते हैं। इस लिस्ट के नंबर 4 पर आती है एक वेब सीरीज, जिसका नाम है स्ट्रेंज स्कूल ट्रेल्स, जो कि 2020 की बनी एक एक्शन और हॉरर बेस्ड सीरीज है। तो यार इस वेब सीरीज के अभी तक 3 एपिसोड आ चुके हैं और तीनों एपिसोड के अंदर आपको 3 अलग अलग स्टोरी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक सीजन के अंदर एक स्टोरी है और दूसरे सीजन के अंदर 2 अलग अलग स्टोरीज आपको दिखाई देगी। जैसे आप इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को देखना स्टार्ट करोगे, ट्रस्ट मी आप तीनों सीजन को खत्म करके रहोगे। मैं आपको बता दूं कि यार तीनों सीजन के अंदर आपको सिर्फ 12 एपिसोड देखने को मिलेगी, वो भी यूट्यूब पर। तो अगर ऐसी वेब सीरीज आप यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बोल सकते हो। इस लिस्ट के नंबर 3 पर आती है 3000 ईयर्स ऑफ लॉगिंग, जो कि असल में 2022 की बनी फैंटेसी रोमांस फिल्म है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.8 की रेटिंग मिल चुका है। तो इस मूवी के अंदर कहानी आपको एक लेडी की स्टोरी देखने को मिलेगी, वो किसी एक दूसरे देश में जाती है कॉन्फ्रेंस के लिए और वहाँ पर उसे एक अलादीन की चिराग या फिर जो भी है उसे मिलता है।
अब उसी चिराग को वो लेडी जब अपने होटल रूम के अंदर ले जाने के बाद उसे घिसती है तो उससे एक जीन बाहर निकलती है जो कि उस लड़की की तीनों विश को पूरी करने की क्षमता रखता है। अब ऐसे में वो जीन अपने 3000 सालों में क्या कुछ उसके जिंदगी में हो चुका था उन सभी के बारे में वो उस लेडी से शेयर करता है। अब मैं आपको बता दूं कि यार ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो अगर आप इस मूवी को इंग्लिश में देखना चाहते हो इसका लिंक टेलीग्राम पर मैंने दे रखी है। तो आज के इस लिस्ट के नंबर सेकंड पर आती है डेडपूल पार्ट 2 जो कि 2018 की बनी एक्शन और साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी है। इस मूवी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इस मूवी की जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने कुछ ही दिन पहले शेयर किया था, तो दोबारा इसके सेकंड पार्ट यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, तो सोचा कर इस वीडियो की पार्ट के मतलब कि इस पार्ट को आपके साथ जरूर शेयर कर दूं। तो यार आज के इस लिस्ट के नंबर 1 पर आती है एंटमैन जो कि अब यूट्यूब पर आ चुकी है लेकिन प्लेलिस्ट के थ्रू। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के थ्रू देखना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यार इस मूवी के थ्रू या फिर इस लिस्ट के सभी मूवीज का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जहां से आप इस लिस्ट के सभी मूवीज को डाउनलोड करके एंजॉय कर पाओगे। तो गुरु ये थे आज के वो टॉप 10 मूवीज। आई होप कि आपको आपकी पसंद की मूवी जरूर मिल चुका होगा, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यार आपके एक सब्सक्राइब 100K तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो मिलता होगा किसी नेक्स्ट वीडियो पर। कीप वॉचिंग मूवीज सन, टेक केयर एंड गुड बाय।